नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप सोलन की देख रहे हैं। सोलन में आसमान पर घने बादल इस वक्त छाए हुए हैं और मौसम विभाग का पूर्वानुमान माने तो हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होने की संभावना है, क्योंकि पश्चिम विक्षोभ प्रदेश में एक सक्रिय हुआ है। हालांकि मौसम विभाग की माने तो पिछले कल भी प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात की संभावना थी, लेकिन मौसम साफ बना रहा। मौसम विभाग का यदि हम बात करें तो मौसम विभाग का इस तरह का मानना था कि 5 मार्च की रात को हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में 5 मार्च की रात को एक पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होने की पूर्वानुमान मौसम विभाग की ओर से लगाया गया था और 6 और 7 मार्च को इसका असर देखने को मिलेगा। प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश हो सकती है, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात हो सकता है, इस तरह का मौसम विभाग का मानना था। लेकिन कल अधिकांश क्षेत्रों में प्रदेश में मौसम साफ रहा, धूप खिली रही, लेकिन आज मौसम थोड़ा बदला है। बारिश की संभावना आज बनी है, लेकिन बादल इस वक्त आसमान पर छाए हुए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मंडी में मौसम साफ है, हंसराज जी की तरफ से यह जानकारी आई है। तो कुछ एक प्रदेश के क्षेत्रों में आज बादल छाए हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मौसम से अभी बारिश राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश में 10 मार्च से एक बार फिर पश्चिम विक्षोभ प्रदेश में सक्रिय हो रहा है, एक्टिव हो रहा है और जिसकी वजह से 10 मार्च को बताया जा रहा है और 10 से 12 मार्च के दौरान हिमाचल प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में बारिश और मध्यम बारिश के साथ बर्फबारी होने की संभावना है। उत्तराखंड के विभिन्न हिस्सों में भी छिटपुट बारिश और बर्फबारी का अनुमान उस दौरान लगाया गया है। हालांकि अभी आज के मौसम की ही बात करें तो एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पंजाब पर मौजूद है और उसकी वजह से आने वाले दिनों में एक पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो सकता है, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी से लोगों की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ी हुई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रदेश के कई क्षेत्रों में जहां पर बर्फबारी हुई है वहां पर अभी भी दुश्वारियाँ बढ़ी हुई है। 7 मार्च तक मौसम खराब रहने का अनुमान मौसम विभाग की ओर से लगाया गया था, यानी आज भी मौसम प्रदेश के कई क्षेत्रों में खराब रह सकता है, यानी बारिश कुछ एक जगहों पर हो सकती है और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होने की संभावना मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की मध्यम बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जारी की है और इसके अलावा मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है उसके अनुसार हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में 7 मार्च को हल्की से मध्यम बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी रहने का अनुमान है। मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट की चेतावनी जारी की गई है और 7 मार्च से यानी 8 और 9 मार्च को हिमाचल प्रदेश में मौसम साफ रहेगा, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। तो कुल मिलाकर प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में आज बादल छाए हुए हैं और एक आधी जगह बारिश हो सकती है, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। ऊंची ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात हो सकता है, इस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। एक पश्चिम विक्षोभ प्रदेश में सक्रिय हुआ है और उसका असर आज देखने को मिल रहा है। जो ये बादल छाए हुए हैं, कुछ एक जगहों पर बारिश का मौसम बना हुआ है। कल से मौसम साफ रहेगा 8 और 9 मार्च को। 10 मार्च से फिर एक और पश्चिम विक्षोभ प्रदेश में सक्रिय होने की, हिमालयन के क्षेत्र में सक्रिय होने की का पूर्वानुमान मौसम विभाग की ओर से लगाया गया है और उसका असर 11 और 12 मार्च तक देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर जिस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है तो उससे ऐसा लग रहा है कि प्रदेश में अभी जो ठंड का दौर है वो अभी जारी रहेगा और मार्च का पहला पखवाड़ा बारिश और बर्फबारी के बीच में या फिर इस तरह के घने बादल आसमान पर उस दौरान छाए रहेंगे, इस तरह के रहने की संभावना है। सुभाष पुंडीर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। लुकिंदर प्रोस्ता जी जुड़ गए हैं तो उनका भी स्वागत है। अशोक वर्मा जी का स्वागत है, अनुपम शर्मा जी का स्वागत है, तेन सिंह ठाकुर जी का, प्रीति ठाकुर जी का, राजीव कटनौरिया जी हमारे साथ जुड़े हैं। ऊना में भी मौसम साफ है, ऊना की वो जानकारी दे रहे हैं।
गुरमीत सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, राजीव कटनौरिया जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है, राजेंद्र राज कृष्ण जी जलंधर से जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है, हंसराज जी मंडी से जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। मंडी का मौसम वो साफ बता रहे हैं और अनुपम शर्मा जी बता रहे हैं कि अमृतसर में भी मौसम इस वक्त साफ है, अमृतसर की वो जानकारी दे रहे हैं। गुरमीत सिंह जी जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। और दर्शकों से हमारा आग्रह भी रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि मौसम से संबंधित जानकारी जो मौसम विभाग के पूर्वानुमान है वो उसकी जानकारी लोगों तक पहुँच सकें, आम लोगों तक, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में मौसम जहाँ साफ बना हुआ है तो कुछ एक जगहों पर बादल भी छाए हुए हैं, बारिश की संभावना भी प्रदेश में इस वक्त बनी हुई है और इस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में इस वक्त देखने को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर मौसम में प्रदेश में बदलाव की स्थिति बनी हुई है और मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है उसके मुताबिक हिमाचल प्रदेश में आने वाले दिनों में भी बारिश की संभावना है। 10 मार्च को एक और पश्चिम विक्षोभ प्रदेश में सक्रिय हुआ है और ननखड़ी से हमारे साथ मूलराज ठाकुर जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है, अमित शर्मा जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है, लोकेंद्र प्रोसा जी जानकारी दे रहे हैं कि चौपाल में बादल छाए हुए हैं, एम आर भारद्वाज जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। तो पंजाब केसरी टीवी में के साथ बड़ी संख्या में आप लोग सुबह सुबह के समय में जुड़े हैं और हिमाचल प्रदेश में यदि हम तापमान की बात करें तो अभी भी प्रदेश के कई क्षेत्रों में तापमान माइनस में चला हुआ है और शिमला की बात करें तो शिमला में न्यूनतम तापमान इस वक्त 4.2 है, सुंदरनगर में 5 डिग्री सेल्सियस है, भुंतर में 6 डिग्री सेल्सियस तापमान है, कल्पा में -6.5 डिग्री सेल्सियस इस वक्त तापमान है, धर्मशाला में 7.5 है, ऊना में 4.7 है, नाहन में 8.1 है, पालमपुर में 4.7 है, सोलन में 4 डिग्री सेल्सियस है, मनाली में 5.4 है, कांगड़ा में 6.2 है, मंडी में 6 डिग्री सेल्सियस है, बिलासपुर में 7.3 है, चंबा में 6.2 है, डलहौजी में 5.2 है, जुबड़हट्टी में 6.3 है, कुफरी में 3.2, कुकमसेरी में -7.2 इस वक्त तापमान है, नारकंडा में 0.7 है, नारकंडा में भी कड़ाके की ठंड है, रिकांगपियो में -0.3 है, सेवबाग में 5.5 है, धौलाकुआ में 7.9 है, बठी में 5.6 है, पांवटा साहिब में 10 डिग्री सेल्सियस तापमान है। तो कुल मिलाकर यदि हम बात करें तो लाहौल स्पीति किन्नौर जिला में इस वक्त तापमान माइनस में चला हुआ है और लाहौल स्पीति और किन्नौर जिला में ऐसे भी इस बार बर्फबारी जो हुई है वो जमकर हुई है, बहुत सारी सड़कें अभी भी वहाँ पर बंद है। यदि हम इसके अलावा बात करें तो वहाँ पर बिजली भी कई क्षेत्रों में गुल चली हुई है क्योंकि जो ट्रांसफार्मर बंद पड़े हैं अभी वो पूरी तरह से बीच में ठीक नहीं हुआ है। तो कुल में मिलाकर प्रदेश में जो हिमाचल प्रदेश में पिछले दिनों बारिश और बर्फबारी का जो दौर रहा उसके बाद जो दुश्वारियाँ लोगों की बढ़ी थी दुश्वारियों ने अभी कम नहीं हुई है, लोगों को काफ़ी दिक्कतों का इस वक्त भी सामना करना पड़ रहा है और मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में भी मौसम से अभी फिलहाल राहत मिलने वाली नहीं है। बारिश का दौर प्रदेश में जो चला हुआ है वो अभी बरकरार रहने की संभावना बनी हुई है, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। और बंसीलाल जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। इसके अलावा आप प्रदेश में न्यूनतम तापमान, क्योंकि कल मौसम साफ था तो उसकी वजह से अधिकतम तापमान में भी थोड़ी बढ़ोतरी कई क्षेत्रों में देखने को मिली है, किस तरह का अधिकतम तापमान रहा है उसकी भी हम आपको जानकारी इस वक्त देंगे। शिमला की बात करें तो शिमला में अभी ठंड पड़ रही है, चाहे दिन का समय हो, 15.7 डिग्री सेल्सियस वहाँ का तापमान है, सुंदरनगर में 22.1 है, भुंतर में 22 डिग्री सेल्सियस है, कल्पा में 7 है, धर्मशाला में 17.7 है, ऊना में 24 डिग्री सेल्सियस है, ऊना का तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली, नाहन में 19.6 है, सोलन में 18.5 है, मनाली में 13 डिग्री सेल्सियस है, कांगड़ा में 21.9 है, मंडी में 22.2 है, बिलासपुर में 22.3 है, चंबा में 20.9 है, कुफरी में 10.4 है, कुकुमसेरी में 3.5 है,
नारकंडा में 9.9 है, भरमौर में 16.1 है, रिकांगपियो में 11.5, सियोबाग में 20.1, धौलाकुआ में 22.9, बठी में 21.3 मैक्सिमम तापमान रहा है। तो कुल मिलाकर कई शहरों में तापमान इस वक्त 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला हुआ है। जैसे कल मौसम साफ था, धूप खिली हुई थी, तो उससे अधिकतम तापमान में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। अजय शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, बंसी लाल जी, ईश्वरदास जस्ता जी, श्याम ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, अमित जी जुड़े हैं, उनका भी स्वागत है। मूलराज जी हमारे साथ ननकड़ी से जुड़े हुए हैं। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत है। रिक्की जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। तो हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज आसमान पर बादल छाए हुए हैं, बारिश की संभावना है। मौसम विभाग का जिस तरह का मानना है कि एक पश्चिम विक्षोभ पर प्रदेश में सक्रिय हुआ है, तो उसका असर प्रदेश में आज देखने को मिल सकता है। कुछ एक जगहों पर बारिश हो सकती है, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात की स्थिति बनी हुई है, हिमपात हो सकता है। और आज CBSE परीक्षा का 10वीं का आज पेपर भी है, और पिछली बार भी यदि हम बात करें किन्नौर और लाहौल स्पीति की, तो वहाँ पर बच्चों को काफ़ी परेशान होना पड़ा था। परीक्षा केंद्रों तक पहुँचना एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया था। अब इस तरह से यदि हम आज की बात करें, तो आज इतना मौसम खराब नहीं है, बादल भले ही कुछ एक जगहों पर छाए हुए हैं। मौसम विभाग का यह जरूर मानना है कि आज प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में बारिश हो सकती है, लेकिन कल से मौसम साफ रहेगा, कल और परसों, और उसके बाद 10 मार्च की रात को एक और पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय होगा, और 11 और 12 मार्च को भी बारिश की संभावना बताई गई है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात हो सकता है, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। तो यदि मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है तो सही साबित होते हैं, तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि पहला पखवाड़ा मार्च का बारिश और बर्फबारी में ही निकल गया है, और ठंड का जो दौर है वो प्रदेश में अभी थमा नहीं है, चला है। और कृष्णा शर्मा जी हमारे साथ शिमला से जुड़ी हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। और जीवन ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, कुल्लू में भी अभी बादल छाए हुए हैं, कुल्लू की वो जानकारी दे रहे हैं। दीपक ठाकुर जी हमारे साथ करसोग से जुड़ चुके हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं, और करसोग के मौसम की हमें जानकारी देते हैं कि किस तरह का उस क्षेत्र में मौसम है। और करसोग में आजकल मटर का उत्पादन बहुत अधिक हो रहा है, और मटर की वहाँ पर बड़े पैमाने पर फसल लगी है, तो मटर के रेट भी किसानों को मंडियों में ठीक मिल रहे हैं। इस वक्त अगर हम सोलन सब्जी मंडी की बात करें, तो 50 से 55 रुपए प्रति किलो के बीच में मटर का भाव चला हुआ है, और किसानों का मानना है कि बारिश तो अच्छी हो रही है, लेकिन बीच में जो ओलावृष्टि हो रही है उससे उनकी फसलों को नुकसान इस वक्त बहुत हुआ है। तो कुल मिलाकर मौसम में आज के लिए बस इतना ही। कुलदीप ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं, दीपक ठाकुर जी का भी स्वागत है। और हिमाचल प्रदेश में बादल कई क्षेत्रों में छाए हुए हैं, और दीपक ठाकुर जी हैप्पी शिवरात्रि, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। और नेशनल हाईवे की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, NH पर वाहनों की आवाजाही लगातार जारी है। जीत जी जी हमारे साथ रोपड़ पंजाब से जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। सोलन की ये तस्वीरें, आसमान पर कई जगहों पर बादल छाए हुए हैं, आप देखें कि यहाँ पर बादल छाए हुए हैं, यहाँ पर अब मौसम थोड़ा साफ हो रहा है। तो कुल मिलाकर इस तरह का ही मौसम हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है। मौसम विभाग की माने तो आज कुछ एक जगहों पर बारिश हो सकती है, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। और उसे देखते हुए पूर्वानुमान जिस तरह के हैं, तो पर्यटक भी शिमला की ओर बड़ी संख्या में जा रहे हैं, बड़ी उम्मीदों के साथ कि इस बार बर्फबारी उन्हें देखने को मिलेगी। लेकिन फरवरी के प्रथम सप्ताह में ही शिमला में बर्फबारी हुई थी, उसके बाद शिमला में बारिश जरूर हुई है, लेकिन बर्फ नहीं पड़ी है। और सोलन की ये तस्वीरें, चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग, हालत कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है, चिंताजनक हालत इस रोड की है, और लोगों को बड़ी सुविधाओं का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। फोर लेन का निर्माण जरूर किया गया है, लेकिन जिस तरह के तीखे मोड़ यहाँ पर इस रोड में बनाए गए हैं, तो उससे बढ़िया तो लोगों का मानना है कि पुराना नेशनल हाईवे ही ज़्यादा बेहतर था। कई जगहों पर सड़क धंस रही है, अभी भी हम दिखाएंगे आपको कि कहां पर सड़क धंस रही है। लेकिन मौसम में आज के लिए फिलहाल बस इतना ही, देखते रहें पंजाब केसरी टीवी। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, भगवान से यही प्रार्थना है। धन्यवाद जी।